वोटिंग हो, ताकि एक बड़े मार्जिन को लेकर जो बात हो रही है, हालांकि चुनाव में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन यहां कोई बड़ा चेहरा नहीं होने से विपक्ष का काफी सेफ सीट है। और बूथों की बात करें तो निश्चित ही सुबह से ही यहां पर भी उत्साह देखने को मिल रहा है, वोटर्स घरों से निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं जो वोटर्स में एक उत्साह तो यहां पर भी देखने को आ रहा है। हम यहां पर जब मतंगेश्वर महादेव मंदिर है, यहां पास में ही बूथ है कुछ दूरी पर, वहां भी हमने देखा कि लोग जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी वोट डालकर अपना सबसे पहला जो कर्तव्य कि पहले सबसे पहले वोट डालने का काम, उसके बाद दूसरा काम, तो कहीं ना कहीं वोटर्स उत्साह में तो है और ये देखने को भी मिल रहा है कि हाँ। लेकिन ये बात सही है कि खजुराहो सीट पर चुनाव जो है वो पहले के पिछले चुनाव में जिस तरह की फाइट थी वो फाइट यहाँ देखने को नहीं मिली है। यानी कि मुकाबला अभी आसान हो गया है विपक्ष के कंफ्यूजन की वजह से। जो बीजेपी के प्रत्याशी है वीडी शर्मा, उनके लिए राह थोड़ी आसान है, लेकिन ये वोटर्स पे भी डिपेंड करेगा कि वो क्या फैसला लेंगे, उनके क्या मुद्दे हैं, उनके मुद्दों के हिसाब से क्या सब कुछ ठीक है कि नहीं है वहां पर। हमारे और भी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आज जो 9 सीटें हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को मिलाकर, यहां पर कहां पर वोटर्स पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र पर, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है। और न्यूज 18 आपसे अपील कर रहा है, नीचे दिए गए नंबर पर आप अपनी वोट से जुड़ी सेल्फी भेज सकते हैं। राजीव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं टीकमगढ़ से। राजीव, आप टीकमगढ़ के किस मतदान केंद्र पर मौजूद है और क्या वोटर्स पहुंच रहे हैं? देखिए, ये नगरपालिका के पीछे मतदान केंद्र है, यहाँ पे जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं पंकज अहिरवार, वो मतदान करने अभी अंदर पहुंचे हैं और मतदान करने के बाद बाहर निकलेंगे। इसके बाद आप सुबह से देख रहे हैं कि मतदान केंद्र पर जो वोटर्स हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और वोटर्सों की लगातार कतारें भी देखने को मिल रही हैं। देखिए, सुबह सुबह से लोग अपना घर का कामकाज छोड़कर मतदान के लिए सबसे पहले पहुंच रहे हैं और इस मतदान केंद्र पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं पंकज अहिरवार, उनका जय मतदान करने यहाँ पर पहुंचे हैं और कुछ ही देर बाद वो मतदान करके यहाँ से बाहर निकले हैं। सुरक्षा के भी मतदान केंद्र के बाहर कड़े इंतजाम किए गए हैं, लगातार जो पुलिस है वो लगातार पेट्रोलिंग कर रही है मतदान केंद्र के बाहर। आप देख रहे हैं कि लगातार जो पुलिस का मूवमेंट है वो लगातार बना हुआ है। लगभग 417 ऐसे मतदान केंद्र हैं पूरी लोकसभा में जो संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, उनके बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और जो छतरपुर जिले की 3 विधानसभाएं और 3 टीकमगढ़ जिले की विधानसभाएं, 2 निवाड़ी जिले की विधानसभाओं को मिलाकर जो टीकमगढ़ लोकसभा है उसमें 18 लाख से अधिक मतदाता आज अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं। और मतदान केंद्र के बाहर आप देख रहे हैं कि सुबह से मतदान को लेकर काफी वोटरों में उत्साह देखने को मिल रहा है। ठीक है, वापस से आपके पास आएंगे राजीव, बहुत शुक्रिया, लगातार आप लोग बने रहिए और वहां से तस्वीर भी दिखाते रहेंगे दर्शकों को कि कहां पर कितने वोटर्स पहुंच रहे हैं, उनके मुद्दे क्या है और वीआईपी मूवमेंट क्या है। तो न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए एक शानदार मौका है, देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं और इसके लिए बस आपको देखते रहना है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के देने हैं जवाब और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक गिफ्ट। 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए, सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तो अब आपको वो सवाल भी दिखा देते हैं जिसका जवाब आपको देना है। फिलहाल मैदान में पसीना